On this vote, the yeas are 216, the nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फदान रिज़वी और आप मेरे YouTube चैनल और Facebook पे देख रहे हैं। आज 4 अक्टूबर 2023 है, दिन है दी वेंसडे, बुध का। अमरीका की तारीख में पहली मरतबा किसी अमरीकी हाउस स्पीकर को इस तरह से कुर्सी से हटाया गया है। केविन मकार्थी अब अमरीका के हाउस स्पीकर नहीं रहे, और क्या वजह है वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। गुज़िश्ता 2-3 वीडियोज़ के अंदर इसी टॉपिक पर हमारी बात हो रही थी कि यूक्रेन की मदद इमदाद के चक्कर में केविन मकार्थी, जो अभी 8 महीनों कबल बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन के बाद 15 राउंड्स हुए थे वोटिंग के, उसके बाद केविन मकार्थी जो कि रिपब्लिकन थे, वो अमेरिका के हाउस स्पीकर मुंतखब हुए थे, और सिर्फ 8 महीनों के बाद ये वोटिंग उन्हीं के रिपब्लिकन्स की जानिब से करवाई गई और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया, कुर्सी से फारग करके घर भेज दिया गया है केविन मकार्थी को। और केविन मकार्थी, मैं आपको बता दूँ, US हाउस स्पीकर का ओहदा अमेरिका के अंदर रैंकिंग में तीसरा बड़ा ओहदा है। सदर और नायब सदर के बाद US हाउस स्पीकर का ओहदा आता है, जो कि इस वक्त बिल्कुल खाली है। और व्हाइट हाउस की जानिब से स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि एज सून एज पॉसिबल US हाउस स्पीकर के ओहदे के लिए वोटिंग करवाई जाए और US हाउस स्पीकर को नया लाकर बिठाया जाए कुर्सी के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि US कांग्रेस के अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पूरे मुल्क का निज़ाम इस वक्त जैम है, क्योंकि US हाउस स्पीकर का ओहदा तारीख में पहली मरतबा खाली हो गया। किस तरह से खाली हुआ, मैं आपको स्किम स्कैन करके बताऊंगा कि 8 महीनों कबल केविन मकार्थी, जो कि रिपब्लिकन हैं, वो मुंतखब हुए थे US हाउस स्पीकर की सीट के लिए बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन के बाद। 15 राउंड हुए थे वोटिंग के, जिसके बाद केविन मकार्थी को सिर्फ 216 की सपोर्ट थी, और उधर डेमोक्रेट्स को, जो बाइडन पार्टी है, उसको 212 की सपोर्ट थी। यानी कि बहुत माइनर से मार्जिन के साथ केविन मकार्थी 15 राउंड्स के बाद अमेरिका के हाउस स्पीकर मुंतखब हुए। और हाउस स्पीकर बनने के बाद केविन मकार्थी की एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सुर्खियों में गर्दिश करती रही। हमारी भी उस स्टेटमेंट पर बात हुई थी कि केविन मकार्थी ने कहा था कि नो ब्लैंक चेक्स फॉर यूक्रेन। बल्कि केविन मकार्थी जो हाउस स्पीकर का ओहदा है वो हासिल करने से कबल ही इस तरह की स्टेटमेंट्स, यूक्रेन के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स हैं, वो केविन मकार्थी की जानिब से जारी की जाती थी, क्योंकि ट्रंप का, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो यूक्रेन पॉलिसी है वो किस तरह की है, तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे केविन मकार्थी जो हैं। और उन्होंने कहा था कि नो ब्लैंक चेक्स फॉर यूक्रेन। लेकिन स्पीकर का ओहदा मिलने के बाद केविन मकार्थी की जो टोन है, यूक्रेन रिलेटेड जो टोन है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती गई। और केविन मकार्थी ने अभी गुज़िश्ता दिनों शटडाउन में जा रहा था अमेरिका, हमारी डिटेल के साथ बात हुई थी कि क्या चक्कर था, क्यों अमेरिका शटडाउन की जानिब जा रहा था, क्योंकि US कांग्रेस के पास आए थे 12 बिल्स जो कि हर साल आते हैं, और 30 सितंबर तक आपने उन बिलों को US कांग्रेस ने मंजूर करके वापस व्हाइट हाउस को भेजना होता है। तो इस मरतबा ये हुआ कि रिपब्लिकन्स इन बिलों के खिलाफ अड़ गए, और इन बिलों के खिलाफ अड़ने की एक वजह ये थी कि इन बिलों के अंदर एक बिल यूक्रेन की मदद इमदाद का भी था, और थोड़ी बहुत मदद इमदाद नहीं बल्कि $24 बिलियन की मदद इमदाद का बिल था, वो इन 12 बिलों के अंदर शामिल था। और रिपब्लिकन्स ने बहुत टफ स्टांस लिया और ये कहा, रिपब्लिकन जो सेनेटर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कहा कि हम ये कट लगाएंगे इसके अंदर, 30 से 50% हम कट लगाएंगे इन तमाम बिलों के अंदर, और हम खर्चों को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अमेरिका मकरूज होता जा रहा है। 2022 और 2023 को अगर कंपेयर करें तो $1 ट्रिलियन का फ़र्क है, बजट खसारा जो है वो $1 ट्रिलियन बढ़ गया है। तो रिपब्लिकन्स ने कहा कि 12 बिल हम रोकेंगे, इन पर कट लगाएंगे, अगर अमेरिका शटडाउन में जाता है तो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन आखिरी लम्हात में जिन्होंने ये तहरीक पेश की, जिन रिपब्लिकन ने, वो फ्लोरिडा के हैं, रिपब्लिकन हैं, मैट गेट्स, उन्होंने ये कहा, ये इल्ज़ाम आयद किया कि इनकी डील हुई केविन मकार्थी की डेमोक्रेट्स के साथ डील हुई,
और उस डील के तहत केविन मकार्थी ने एक स्टॉप गैप लगाकर अमेरिका को शटडाउन से बचा लिया और टुवर्ड्स यूक्रेन केविन मकार्थी की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। और ये जो मैट गेट्स हैं इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया केविन मकार्थी पर कि इनकी कोई सीक्रेट डील हुई है अमेरिका के सदर जो बाइडन और डेमोक्रेट्स के साथ इनकी कोई सीक्रेट डील हुई है, इस वजह से ये यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर इनका जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। और ये बंदा जो मैट गेट्स है ये पहले से बहुत पहले से केविन मकार्थी को वार्न करता आ रहा था, इवन के तब से जब से स्पीकर नहीं भी बने थे तब से इनके खिलाफ रिपब्लिकन्स के अंदर इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें तब ही से उठ रही थी। इसी वजह से 15 राउंड्स हुए थे वोटिंग के जिसके बाद केविन मकार्थी अमेरिका के हाउस स्पीकर बन गए थे। जो बंदा आपको नज़र आ रहा है केविन मकार्थी के सामने यह है मैट गेट्स, इसकी वजह से इसी ने तहरीक पेश की थी और केविन मकार्थी को आज हटा दिया गया ओहदे से। मैं आपको वोटिंग के नतीज बता दूँ कि 8 बताया जा रहा है कि जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने केविन मकार्थी का साथ छोड़ा है। जब ये मुंतखब हुए थे, जब ये अमेरिका के हाउस स्पीकर बने थे तो इन्हें मिले थे 216 वोट और आगे जो डेमोक्रेट्स हैं जो जो बाइडन पार्टी है उनके थी 212 सीट्स थी, तो केविन मकार्थी 216 सीट्स के साथ अमेरिका के हाउस स्पीकर बन गए थे। और अब जो वोटिंग रिजल्ट सामने आए हैं ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं कि 216 यानी कि रिपब्लिकन्स आ गए डेमोक्रेट्स के साथ और डेमोक्रेट्स ने जो हाउस स्पीकर हैं केविन मकार्थी अब तो थे हो गए हैं उनके खिलाफ 216 ने वोट दिए और 210 ऐसे थे जो कि इधर रिपब्लिकन्स थे और केविन मकार्थी के हक में उन्होंने वोट दिए। लेकिन 8 बताया जा रहा है कि ऐसे रिपब्लिकन्स थे जो कि यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर बिल्कुल उनका डोनाल्ड ट्रंप वाला स्टांस था, तो उन्होंने पार्टी बदल ली और इस साइड पर आ गए और इसके नतीजे में केविन मकार्थी अब अमेरिका के हाउस स्पीकर नहीं रहे। 4 डेमोक्रेट्स और 3 जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने वोट नहीं कास्ट किया, वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बहरहाल अगर ये 3 रिपब्लिकन्स भी ले आते तब भी केविन मकार्थी जो हैं वो अपनी कुर्सी खो चुके थे क्योंकि 216 वोट जो हैं वो इस तरफ आ गए। तो केविन मकार्थी बहरहाल अब अमेरिका के हाउस स्पीकर नहीं रहे और उसकी वजह जो है वो ये साहब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जब से जंग स्टार्ट हुई तो मदद इमदाद के चक्कर में यूक्रेन का साथ देने के चक्कर में पहला बंदा नहीं है बल्कि दर्जनों जो डिफरेंट वज़राए आज़म हैं या फिर सदूर हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, डिफरेंट जो इत्तेहादी ममालिक के सदूर हैं जो लीडर्स हैं वो भी अपने ओहदों से फारिग हो चुके हैं और जो इक्तदार में थे अब वो इक्तदार से निकलते जा रहे हैं। और वजह सिर्फ एक है कि यूक्रेन की मदद इमदाद के चक्कर में ये जो लोग हैं वो अपने लोगों को, अपने लोगों के टैक्स के पैसे को और अपने ममालिक को भूल गए और रशिया के ख़िलाफ़ ये चल दौड़े यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर। तो केविन मकार्थी के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की आवाज़ें, ना सिर्फ केविन मकार्थी और रिपब्लिकन्स बल्कि मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो अमेरिका के अवाम की आवाज़ थे। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बात कर रहे थे यूक्रेन और रशिया के तनाज़े को लेकर, यही जो बात है वो अवाम भी कर रहे हैं, यूरोप के अवाम भी कर रहे हैं, अमेरिका के अवाम भी कर रहे हैं। लेकिन केविन मकार्थी और डेमोक्रेट्स जो जो बाइडन हैं उनके दरमियान मैट गेट्स ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि इनके दरमियान कोई सीक्रेट डील हुई और इन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मदद इमदाद को लेकर इनका स्टांस अभी तक सॉफ्ट है, इवन के अमेरिका कर्जों में डूबता जा रहा है। $1 ट्रिलियन मैंने आपको बताया कि बजट खसारा हो चुका है, लेकिन इनकी जो मदद इमदाद का चक्कर है वो नहीं रुक रहा था। अभी रिसेंटली अमरीका के सदर जो बाइडन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और केविन मकार्थी को मुखातिब करते हुए कहा था कि मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने स्टॉप गैप लगाया है इसके दौरान, ये जो 45 रोज का स्टॉप गैप है इसके दौरान आप यूक्रेन की मदद इमदाद का जो बिल है वो ज़रूर मंजूर करेंगे। और केविन मकार्थी रिपब्लिकन्स को ऐसा लग रहा था कि केविन मकार्थी की जो सीक्रेट डील हुई है तो केविन मकार्थी वो बिल ज़रूर मंजूर करेंगे और इससे पहले कि केविन मकार्थी वो बिल मंजूर करें हम केविन मकार्थी को ओहदे से हटा देते हैं। और पहले भी बहुत मरतबा केविन मकार्थी को इन रिपब्लिकन्स की जानिब से वार्न किया गया था कि लाइट ना लेना हमें, हम 8-10 हैं और हम 8-10 तुम्हें ओहदे से हटाने के लिए काफ़ी हैं, अगर हम डेमोक्रेट्स की साइड पर 8-10 भी हो गए तो तुम अपनी मेजोरिटी खो दोगे और तुम अपनी सीट से फारिग हो जाओगे। लेकिन केविन मकार्थी ने बहुत लाइट लिया, उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी की और कहा कि शौक से लेके आओ तहरीक, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी कुर्सी फारिग कर दूंगा, लेकिन जो स्पीकर का ओहदा है
वो न्यूट्रल रहना डिमांड करता है, इसलिए मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं अमेरिका को शटडाउन के अंदर नहीं जाने दूंगा, यूक्रेन की मदद इमदाद का कोई ताल्लुक नहीं है। केविन मैकार्थी ने अब भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन की मदद इमदाद का कोई ताल्लुक नहीं है, बिलों को कट लगाने का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये जो मैट गेट्स पार्टी है ये वैसे ही पर्सनल हैं, मेरे खिलाफ हैं, और इन्होंने ये कार्रवाई आज या कल करना थी, मुझे इस बात का पता था, लेकिन इससे यूक्रेन का या यूक्रेन की मदद इमदाद का मेरी पॉलिसीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। स्पीकर का ओहदा मेरे से डिमांड करता था कि मैं न्यूट्रल रहूं, ना मैं रिपब्लिकन रहूं, ना मैं डेमोक्रेट रहूं, बल्कि मैं अमरीकियों की फ़िक्र करूं। लेकिन ये जो मैट गेट्स पार्टी है, जिन्होंने पार्टी बदली और केविन मैकार्थी को ओहदे से हटाया, इनका मौकिफ ये था कि आप वेल विशर नहीं हैं अमरीकियों के। अगर आप वेल विशर होते तो ब्लैंक चेक वाली जो आपकी स्टेटमेंट थी आप इस पर कायम रहते, लेकिन सीक्रेट डील के बाद आप यूक्रेन को लेकर आपका स्टांस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। अब अमेरिका के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि तीसरा बड़ा ओहदा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ये जो 12 बिल्स मैंने आपको बताए ये अभी भी पेंडिंग हैं, और जब तक स्पीकर नहीं होगा अमेरिका के हाउस के अंदर तब तक ये बिल्स यहीं पर पड़े रहेंगे, जिसमें से एक तो यूक्रेन का है, बाकी जो 11 बिल हैं वो भी अमरीकियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगला स्पीकर कौन आएगा, किस पार्टी का होगा, रिपब्लिकन होगा, डेमोक्रेट होगा, बहुत बड़ी शिकस्त है अमेरिका की, ये बहुत बड़ी शिकस्त है जिसको रूस इस वक्त बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा होगा कि रूस को हराने के चक्कर में इनकी ये हालत हो गई है कि तारीख में पहली मर्तबा अमेरिका के अंदर इतना इम्पॉर्टेंट ओहदा बिल्कुल खाली है, यूएस हाउस स्पीकर की सीट खाली है। यूरोप की तो जो हालत आपके सामने है कि यूरोप की हालत कितनी पतली हो चुकी है, लेकिन यूरोप तो खैर अफोर्ड ही नहीं करता था ना, अमेरिका को ये कॉन्फिडेंस था। और अभी दो रोज़ कबल अमेरिका के सदर जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम बहुत बड़ी इकॉनमी हैं, हम बहुत बड़ी ताकत हैं, और इस तरह की ड्रामेबाजियाँ जो रिपब्लिकन्स कर रहे हैं ये ड्रामेबाजियाँ बंद होनी चाहिए, और यूक्रेन की मदद इमदाद बंद होने का मतलब ये है कि पूरे का पूरा नेटो का जत्था रशिया से शिकस्त खा जाएगा। इसलिए मेरी बात को समझें, अमेरिका के सदर ने धमकियां भी लगाई थी, इमोशनल भी हुए थे, मिन्नतें भी की थी, रशिया का वास्ता भी दिया था, और ये कहा था कि मेरी बात को समझें और यूक्रेन की मदद इमदाद को आपने नहीं रोकना। केविन मैकार्थी को मुखातिब कर रहे थे, और अब केविन मैकार्थी उस सीट के ऊपर, यूएस हाउस स्पीकर की सीट के ऊपर नहीं रहे। अब कौन आएगा इस सीट के ऊपर और उसका क्या स्टांस होगा यूक्रेन को लेकर, ये सब देखने के बाद कि तारीख में पहली मर्तबा अब इतना गमो गुस्सा है रिपब्लिकन्स के अंदर भी और अमेरिका के अवाम के अंदर भी कि अगर यूक्रेन को लेकर कोई सॉफ्ट स्टांस रखने की कोशिश की किसी स्पीकर ने, तो फिर ये दूसरी मर्तबा तारीख में दूसरी मर्तबा हो जाएगा कि उस स्पीकर को भी हटाने की कोशिश की जाएगी रिपब्लिकन्स या फिर डेमोक्रेट्स की जानिब से। अब यूक्रेन का क्या रद्दमल सामने आता है जिसकी इतनी बड़ी मदद इमदाद, मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर एक चार्ट दिखा चुका हूँ कि पूरे यूरोप की मदद इमदाद एक तरफ और अमरीका की मदद इमदाद एक तरफ, जो कि अब लगता है कि मुकम्मल तौर पर बंद होने वाली है। नजर रखेंगे, डेवलपिंग स्टोरी है, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।